गोंडा जिले के अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज की पॉक्सो अधिनियम 2012 की कमेटी पुस्तक आईजी रेंज प्रयागराज द्वारा किया गया विमोचन। पुलिस लाइन प्रयागराज के सभाकार में बालकों को लैंगिक शोषण से संरक्षण प्रदान करने के लिए पॉक्सो अधिनियम 2012 की कमेटी पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक को गृह मंत्रालय भारत सरकार के नेशनल अवार्ड BPRD 2021 से सम्मानित किया है और शिवराज अपर पुलिस अधीक्षक गोंडा उत्तर प्रदेश पुलिस तथा मोहम्मद हसन जैदी चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड साइबर क्राइम लीगल एक्सपर्ट हैं। पुस्तक का विमोचन डॉक्टर राकेश सिंह पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज, श्री VP त्रिपाठी IG रीटा और श्री शैलेश कुमार पांडे SSP प्रयागराज के द्वारा किया गया। मिला आपको उत्साहवर्धन हुआ सर, हमें पूरा आपका आशीर्वाद मिला है, मिलता रहेगा आगे भी। और सर हम लोग जो है पूरा प्रयास करके देंगे। और सर मैं अनुरोध करूंगा जैसे सर से आप हो सर और इस पुस्तक को मैं जो दो एक मिनट में इसकी विशेषताएं बताऊंगा। जब हम लोग ये पुस्तक को तैयार कर रहे थे, पॉक्सो एक्ट और रूल्स, पॉक्सो एक्ट 2012 और पॉक्सो रूल 2020 ऐसी किताब नहीं थी जो इस जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम को यानी किशोर केसों को दे सके। तो वो इश्यूज जो अनटच्ड थे उसको इसमें कवर करने की कोशिश किया। तमाम सारी किताबों को अध्ययन करने तो उन इश्यूज को इसमें केस लॉस के साथ डिफाइन किया कि किस तरह से इस केस को पॉक्सो में इंप्लीमेंटेड। देखिए आज जो है तो हमारे पुलिस विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी है अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने एक पुस्तक लिखा जो कि पॉक्सो एक्ट से संबंधित है और उस पर उस पुस्तक आज यहाँ विमोचन किया गया। उसमें हमारे सभी जो है आवश्यक योजना के बिंदु जो होते हैं जिसमें खासतौर से हमारे विवेचक को करना चाहिए और एक्ट की क्या विशेषताएं हैं और इस एक्ट में हम क्या चीज़ क्या इसको लागू करने में क्या जो है और भी तथ्य आ सकते हैं उनको लेकर के उन्होंने पुस्तक लिखा है और ख़ासतौर से हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में है पुस्तक। और इसको लेकर इसके पहले एक सेमिनार भी किया गया जिसमें बाल संरक्षण को लेकर जो कठिनाइयाँ आती हैं उसको लेकर के उसमें विचार रखे गए। हमारी जो से दोनों सहयोगी लेखक जैदी सर और जैदी और शिवराज ने अपने विचार रखे, हमारे IOs भी आए थे जिनको एक लाभ हुआ है और इस पुस्तक को हम समझते हैं कि लिखने से हमारे बहुत ही योजना में सहयोग मिलेगा और आगे जो भी हमारी कमियां रहती है योजना में जैसे कि सजा दिलाने में कठिनाई होती थी उसमें कमी आएगी और अधिक से अधिक सजा हो सकेगी।